हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जिन महिलाओं की योनि सेक्स के बाद में लाल पड़ जाती है, वो क्यों पड़ जाती है, किस बीमारी के कारण पड़ जाती है, इसमें कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, ये सब देखने के लिए चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। यदि आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है और आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और जो है वहाँ भी हम आपको रिप्लाई देते हैं। यदि सेक्स के बाद में योनि लाल पड़ती है या खुजली होती है, जलन होती है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो आपकी विजायना में जो पहले से खुजली है, या फिर आपने सेक्स करने से पहले कोई भी जो है टेबलेट्स यूज कर लिया, या आपके पार्टनर ने कोई भी जो है लिंग संबंधी कोई क्रीम यूज कर लिए तो उसकी वजह से भी हो जाता है, या आपके पहले से पुरानी कोई खुजली है या इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। देखिए, जो दिक्कत हो गई वो तो हो गई, हमें चाहिए उसका सॉल्यूशन। तो हमने ले रखी लीजोल बीजी किट। लीजोल बीजी लीफूड जो फार्मेसी की टेबलेट्स हैं, इसमें 3 कैप्सूल्स निकलते हैं और ये कैप्सूल्स एक रोज रात में सोते वक्त विजायना में आप रख लीजिए, एक पर डे रखना है आपको 3 दिन। ये रखने के बाद में इससे आपका जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप जात्यादि तेल यूज करिए। जात्यादि तेल को आप विजाइना में गौज से या जो फिंगर साफ करके उससे आप जात्यादि तेल लगा सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है मेडिसिन खाने के लिए। तो मेडिसिन खाने के लिए आप जो है कोई भी एक पेन किलर ले लीजिए, चाहे आप सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट ले लीजिए, चाहे आप कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट ले लीजिए। यदि आप ये लेना नहीं चाहते या इसकी वजह से जो वीकनेस आती है उसकी वजह से आप लेना नहीं चाहते तो आप सिफेक्जिम 200 mg और ACP यानी डोलोकाइन ले लो, एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल में कोई भी टैबलेट ले लो, ये दोनों सुबह शाम ले लो। तीसरी बात आ जाती है हमारी परहेज की। परहेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो आपको जब भी सेक्स करें आप कंडोम से यूज़ करें यदि आपके पार्टनर की खुजली है तो, वरना आप ऐसे जो है सेक्स कर सकते हैं लेकिन सेक्स कम से कम करना चाहिए। दूसरी बात, विजाइना की जो है कंटिन्यू सफाई रखनी चाहिए और बार बार विजाइना को पानी से नहीं धोना चाहिए। तो आप जब भी साफ करें, साफ करने के बाद साफ गौज से या जो कॉटन के कपड़े से उसको आस्ते आस्ते जो खुशक कर लें और उसमें कोई भी खुशबूदार स्प्रे बिल्कुल भी यूज ना करें। ज़्यादातर आप नीम के पत्ते डालकर उससे सफाई। तो कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।